थैंक यू दीदी, आपने कितनी अच्छी एक्टिंग की। वाओ, वेडनेसडे। थैंक यू। हाँ, मैं इशिता को बहुत टाइम से जानती हूँ और बहुत बार ऐसा लगा कि आके इनिशिएटिव को थोड़ा सपोर्ट करूँ। आज एक्चुअली उन्होंने बुलाया मुझे, बाकी सब कैंसिल करके मैं आ गई, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे मार्शल आर्ट सीखने का बड़ा मन था और मैंने क्लासेस भी लिए थे, बट फिर बहुत टाइम में मैंने छोड़ भी दिया था क्योंकि वो वर्क नहीं करता। बट अगर आज मुझे कोई सिखाए तो मैं आज भी मार्शल आर्ट सीखूँ, लाइक ऑल ऑफ यू ऑल। मेरा सच में बहुत मन है टू बी एबल टू डिफेंड माई सेल्फ नो मैटर वॉट एंड वेयर, तो छोड़ना मत। ओके, थैंक यू। मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए क्या मैटर करता है कि यहाँ जितनी लड़कियाँ आई हैं वो बहुत एम्पावर्ड फील कर रही है, आज भी कल भी वो मार्शल आर्ट सीख रही है, वो यहाँ आके हमसे बातें कर रही है। इशिता है, सर है जिन्होंने इन सबको रिसोर्सेज दिए हैं कि वो और कुछ लाइफ में कर पाए। तो आज के दिन सिर्फ उठ के बोलना आई डोंट थिंक हाईलाइट है। मेरे लिए ये हाईलाइट है कि वो रोज़ ये बोल पाएंगे कि हमने आज कुछ किया, या मैं आज उठ के मार्शल आर्ट सीखने गई, जो कुछ टाइम पहले हमें अलाउड ही नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था ये करना है। एंड वन ऑफ द एक्टर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज़ द राइट टच, व्हाट इज़ द रॉन्ग टच, आपको ये समझ कैसे आएगा, राइट? आप बच्चे हो, आपको कौन बताएगा कि ये गलत था या ये सही था? तो आप में जो वो एक स्ट्रेंथ आती है ना फिजिकली, फिर आपको वो मेंटली भी आपको प्रिपेयर करता है। तो आई थिंक दैट स्ट्रेंथ ऑन एवरी डे बेसिस इज़ अ ग्रेट थिंग टू गेट अप एंड गो टू। तो फॉर मी दैट्स वाई दिस इनिशिएटिव इज़ ग्रेट, बिकॉज ये एक दिन की बात नहीं, ये रोज़ करेंगे ये लोग। Change for women. यार यू नो, अगर बोलने जाओ ना तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आप आगे बढ़ के बात कर सकते हो, बहुत सारे हैं। नो मीन्स नो, क्लीन टॉयलेट्स, एजुकेशन। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो भी है आपका एक थॉट बदलना चाहिए टुवर्ड्स अ गर्ल एंड अ वुमेन इज़ रिस्पेक्ट। कि अगर वो मार्शल आर्ट्स करना चाहती है तो उसे रिस्पेक्ट दो कि वो करना चाहती है, अगर वो ये कपड़े पहनना चाहती है तो उसे रिस्पेक्ट दो कि कपड़े पहनना चाहती है, अगर वो इस बात पे अग्री नहीं करती तो उसे रिस्पेक्ट दो कि हाँ भाई तुम अपनी ओपिनियन आगे रखो। तो वो कुछ भी करना चाहे, मान लो वो शादी ना करना चाहे या उसे बच्चे नहीं पैदा, यू नो वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, आई थिंक द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ कि उसकी थॉट और इच्छा को रिस्पेक्ट करो एंड लेट हर डू वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। ये मैं एक थॉट एज अ होल सोसाइटी इनकलकेट करना चाहती हूँ कि वी आर पीपल, वी हैव आवर ओन माइंड, इफ़ यू कैन जस्ट रिस्पेक्ट दैट, बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। सो